हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। तो आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एटीपी के बारे में, जो आपने छोटी क्लासेस से लेके आप तक आप पढ़ते ही आ रहे हो बायोलॉजी में। ठीक है, ये मेनली एटीपी वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा रेस्पिरेशन के चैप्टर में ही। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटीपी के बारे में, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ओके, और इसकी थोड़ी डिटेल में कि एटीपी से एडीपी कैसे कन्वर्ट होता है और इसका फंक्शन क्या है, क्या क्यों एटीपी हमारी बॉडी में रिक्वायर है। ओके गाइज, तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टैप कर ले, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। एटीपी होता क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफोस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफोस्फेट क्या होता है हमारा एटीपी। ये एडिनोसाइन ट्राईफोस्फेट है क्या? एडिनोसाइन ट्राईफोस्फेट हमारा एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे एक बॉडी में प्रेजेंट होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है एटीपी। ओके, ये होता क्या है? एटीपी है ना, एडिनोसाइन ट्राईफोस्फेट, वो एक क्या है? एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो आपको बता दिया, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का काम क्या है? वो एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है, और प्रेजेंट होता है हर सेल में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में, लिविंग थिंग की सेल में क्या है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे इसी के बारे में था। सेकंड पॉइंट क्या है? जो एटीपी मॉलिक्यूल है ना, वो हमारे क्या है, एनर्जी को कैप्चर करता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको कैप्चर करता है। कैसे कैप्चर करता है? जब भी हमारा जो फूड है, ठीक है, जो हम लेते हैं खाते हैं, ठीक है, वो उसका ब्रेक डाउन होता है, फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, वो एटीपी है उनको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और हमारा जो एटीपी है वो कैसे एक्ट करता है? एज ए फ्यूल एक्ट करता है, भी बॉडी के अंदर सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं उनमें फ्यूल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा एटीपी है। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, ये एक तो एडेनिन मॉलिक्यूल होता है, एक राइबोज मॉलिक्यूल होता है और थ्री फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये आपका एटीपी का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये देख लो आपका एडेनिन, ये राइबोज, ये थ्री फॉस्फेट। ओके, ये आपका एटीपी का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं एटीपी का फंक्शन। एटीपी के तीन फंक्शन हैं। ठीक है, एटीपी हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है? सबसे पहला एटीपी का क्या काम है? ठीक है, जितनी भी हमारी क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो अपने आप नहीं हो सकती, ठीक है, वहाँ पे हमारी क्या है एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एटीपी के बिना हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं नहीं परफॉर्म होंगी। तो गाइज ये याद रखना, एटीपी हमारे एज ए करेंसी वर्क करता है। ठीक है, जैसे हम अपने पैसे को यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, उसी तरह जो एटीपी है वो भी हमारी बॉडी में करेंसी की तरह एक्ट करेगा। उसमें क्या होगा, हम एक करेंसी को खर्च करके हमारी क्या होगी, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो अकर होगी। विदाउट हमारी एटीपी को खर्च किए हुए हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में मतलब परफॉर्म होंगे ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था। जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या है कि जो आपका एटीपी है वो एक कब यूज़ होगा, एक तो आपने देख लिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज़ होगा, सेकंड जब भी हमें कोई भी मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, हमें क्या है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाना है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ले जाना है कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, सब्सटेंस, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा एटीपी खर्च होगा, तो वहाँ पर हमारी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, आपके मैकेनिकल वर्क में क्या होगा, आपका एटीपी खर्च होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी आपके मैकेनिकल वर्क में। जैसे आपको अपनी मसल्स को क्या मूव करवाना है, ठीक है, अपने एंड को मूव करवाना है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा आपकी मसल मूव होगी तो वहाँ पे क्या एनर्जी यूज़ होनी है। ठीक है, विदाउट एनर्जी आप चल फिर नहीं सकते, मतलब आपकी मसल्स यूज़ नहीं होंगी, तो वो एनर्जी कौन देगा, आपका एटीपी मॉलिक्यूल देगा। ठीक है, तो मूविंग मसल्स में आपके क्या होते हैं एटीपी यूज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिकल वर्क में। ओके, तो यह क्या है आपके एटीपी के फंक्शन हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, जो एटीपी है आपका वो क्या है, एक स्टोरेज मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, आपको ये तो पता है एटीपी एक मॉलिक्यूल है, बट वो आपका क्या है एनर्जी को स्टोर नहीं रखता। ठीक है, एनर्जी तो होती है एटीपी मॉलिक्यूल में, बट वो उसको स्टोर नहीं रखेगा। स्टोर का काम किसका है, स्टोर का काम है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से, ग्लाइकोजन और फैट्स। ठीक है, ये दोनों आपके क्या रखते हैं, आपके एनर्जी को स्टोर रखते हैं, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना आप, जो एटीपी है आपके, ठीक है, बॉडी में, वो एनर्जी को स्टोर नहीं रखेंगे। ठीक है, वो टेम्परेली उनके पास एनर्जी होती है, ठीक है, वो स्टोर नहीं रख सकते एक टाइम के लिए। ठीक है, तो स्टोर रखने का काम आपका कार्बोहाइड्रेट्स का है। ओके, ये याद रखना। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, जो एटीपी है, एटीपी में
क्या आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी में एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। जो आपका फोस्फेट ग्रुप होता है प्रेजेंट, तीन फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपके तीन, ठीक है, उन तीन फोस्फेट ग्रुप में ही आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है, वही आपका एज ए पावर सोर्स काम करता है एटीपी के अंदर, ठीक है। तो एटीपी हमारी ओब्टेन एनर्जी है हमारी ओब्टेन कैसे होती है एटीपी से, ठीक है। जो आपके तीन फोस्फेट बॉन्ड है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये एक फोस्फेट, फिर इससे लिंक है ये फोस्फेट, फिर इससे लिंक है ये फोस्फेट, ठीक है। तो ये फोस्फेट के बीच में ये बॉन्ड है ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये दोनों बॉन्ड है, इनमें से जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ही आपकी क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। ये बॉन्ड ब्रेक कब होंगे, जब आपका क्या है, वाटर का एडिशन होगा, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस उसे कहते हैं जब भी किसी मॉलिक्यूल में वाटर का एडिशन होता है, तो उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ये फोस्फेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो मतलब इन दो फोस्फेट मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, जो ग्रुप है, इनमें क्या आ गया, ब्रेकेज होगी इनके बॉन्ड की, तो वहीं से आपकी एनर्जी रिलीज होगी। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, देखो ये आपका एक एटीपी मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी, इसलिए यहाँ पे देखो इन ग्रीन दिखा रखा है, फुल एनर्जी इसके पास, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एक तो एडीपी में कन्वर्ट होगा और एक फोस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और क्या आपकी फ्री एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा होगा आपका, देखो लो एनर्जी है, ठीक है। अब जो एडीपी है ना, ये एडीपी है आपका एडीपी, ठीक है, इसके पास एनर्जी नहीं रही, इसने तो एनर्जी क्या है दे दिया गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तीन फोस्फेट ग्रुप थे, यहाँ पे तीन फोस्फेट ग्रुप नहीं रहे, यहाँ पे ओनली दो ही रहा है, ठीक है। या एक फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे क्या आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से क्या आपकी एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। तो एडीपी के पास एनर्जी रही नहीं, एटीपी के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, वो एडीपी में कन्वर्ट होगा जब उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ओके, समझ गए। दोबारा से समझो, ये आपका क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा जब इसमें वाटर ऐड होगा, ठीक है, इसमें जब वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड होने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा एडीपी में एक फोस्फेट ग्रुप में, और फ्री एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। जो ये दो फोस्फेट ग्रुप थे, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है, तो एक फोस्फेट निकल जाएगा, उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जो एटीपी था वो रह जाएगा हमारा अब एडीपी, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफोस्फेट। यहाँ पे ट्राइफोस्फेट था मतलब तीन फोस्फेट थे, यहाँ पे दो फोस्फेट रह गए तो मतलब डाइफोस्फेट, ओके। तो ये था हमारा एटीपी के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ गया कि एटीपी होता क्या है। तो गाइज मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।